गहरी सोच में डूबा दिखा तो कहा, रैना क्या सोच रही है? कुछ नहीं पापा, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोला। रैना ने पायल की तरफ देखा फिर कहा, इट्स ओके बाद में बात कर लेंगे। कबीर ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर लिया। रात को रैना सो रही थी तो पायल ने उसे उठाया और बोला, तुम आज पापा को बताने वाली थी क्या? हाँ। मैंने मना किया था ना, देख मैं ये तेरी भलाई के लिए कर रही थी, मगर तुझे क्या है समझ नहीं आ रहा। रैना तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि विक्रम मुझे प्यार नहीं करता? दिखता है यार, पायल ने मुंह फुलाकर उसे देखा। वो क्यों यार, अब मैं इस सड़ी हुई शक्ल नहीं देख सकती थी, मत बनाए थे और विक्रम के मन की बात बताकर पहले। लेकिन कैसे? रैना सोचने लगी फिर बोली, पायल तुझे सच में लगता है कि विक्रम तुझे प्यार करता है? मुझे लगता नहीं है रैना, मुझे पूरा यकीन है। इतना विश्वास है तो शायद होगा। फिर तो पायल तुझे देर नहीं करनी चाहिए, विक्रम के डैड को हमारे घर बुलाते हैं। उसके डैड को घर बुलाते हैं? पर क्यों? रैना ने प्यार से उसकी तरफ देखकर कहा, भाभी गर्ल तेरी और विक्रम की शादी पक्की करने। पायल चौंक गई फिर शर्माने लगी। रैना हंस पड़ी और बोली, क्या हुआ इतना ब्लश क्यों कर रही है? अरे आज शादी थोड़ी है। शर लेकिन ये बता अंकल से बाहर कौन करेगा? ऑफकोर्स मम्मा, पायल ने घबराते हुए कहा। मम्मा मतलब मॉम को पहले सब बताना पड़ेगा? रैना ने हाँ में सिर हिला दिया। रैना ने उसकी चुटकी लेते हुए कहा, तुझे डर तो नहीं लग रहा ना? पायल ने नामे गर्दन हिलाई फिर कहा, थोड़ा सा। रैना हंस पड़ी और बोली, ओके पर वो कहावत याद नहीं, प्यार किया तो डरना क्या। एक सेकंड, विक्रम से मैंने बात नहीं की लेकिन इस बारे में। पायल मैंने कहा ना अब देर मत कर, तुझे यकीन है ना कि वो तुमसे प्यार करता है? तो फिर उसकी हाँ ही होगी। हाँ ओके। तभी कमरे की लाइट चली, दोनों बहनें चौंक गई, दोनों सोई नहीं। शौर्य भैया आपने तो मुझे डराई दिया। शौर्य ने एक आईब्रो उठाई और उनके पास बैठे हुए कहा, आने की आहट से डर गए। अब डराना तो मैं हूं नहीं, फिर क्या रीजन हो सकता है? पायल और रैना ने एक दूसरे को देखा। सीक्रेट मत बताओ। शौर्य ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया मगर ध्यान अपनी बहनों पर ही था। इन्हें बता देते, रैना ने कहा। पायल इशारे से मना करने लगी। पायल बोली, शौर्य भैया एक्चुअली हम गर्ल्स टॉकिंग कर रहे थे और उस बारे में आपको नहीं बता सकते। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और दोनों को घूरता रहा। रैना मुस्कुराई और बोली, भैया आपको जानना है? शौर्य ने हामी से हिलाया, ठीक है कल पता चल जाएगा। पर अभी क्यों नहीं? अभी नहीं ओके, लेकिन अब सोचा होगा ना हिटलर को पता चल गया कि तुम दोनों की पंचायत चल रही है तो डांट पड़ेगी। दोनों बहनों ने कहा, ओके हम सो जाते हैं। शौर्य ने गुड नाइट कहा और बाहर आ गया। उसके जाने के बाद रैना ने गहरी सांस लेकर कहा, पंचायत तो कल होने वाली है। पायल ने उसकी तरफ देखा। अगले दिन कबीर और राजवीर ऑफिस जा चुके थे। सही मौका पाकर पायल सारिका के सामने आई और बोलने की कोशिश करने लगी। सारिका उसे नर्वस देखकर बोली, पायल तुम कब से नर्वस होने लगी हो, वो भी मुझसे कुछ बात करने के लिए? ऐसा नहीं है मॉम, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करूं। अरे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं है, फिर आज क्यों? आज बात थोड़ी अलग है मम्मा, थोड़ी दूर बैठी रहना की आवाज आई। बात अलग है मतलब? पायल ने सारिका का हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, मॉम मुझे तुमसे कुछ शेयर करना है। सारिका मुस्कुराई और इशारे से पूछा, क्या? मॉम, पायल बोलते हुए थोड़ी शर्माने लगी। अब रैना इरिटेट होने लगी थी क्योंकि पायल बोल ही नहीं पा रही थी। तभी उसके चेहरे पर उड़ता हुआ पिलो आया। पायल चौंक गई और गुस्से से बोली, रैना क्या कर रही है तू? अरे तू क्या कर रही है, इतनी सिंपल सी बात बोलने में इतना टाइम कौन लगाता है? मॉम भी बेचारी परेशान हो रही होंगी, बोल देना कि तू किसी विक्रम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। रैना ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया और पायल और सारिका उसे देखी जा रही थी। फिर सारिका ने पायल की तरफ देखा तो उसने नजरें झुका ली। पायल ये सच है? पायल ने सिर हिला दिया फिर बोली, यस मॉम, और मैं तुम्हें आराम से बताना चाहती थी मगर इस इडियट ने बोल दिया। रैना ने सिर खुजला दिया। सारिका हंस दी और बोली, मतलब मेरी छोटी सी बेटी बड़ी हो गई है, ठीक है कबीर से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। सच्ची मॉम आप डैड को मनाओगी? लेकिन वो अगर नाराज हुए तो? अरे तो हमारी मम्मा किस लिए हैं? रैना ने सारिका को हग करते हुए कहा। मैं उन्हें मनाऊंगी इस रिश्ते के लिए, लेकिन एक बात बताओ कब से चल रहा है ये? रैना ने पायल को आगे कर दिया और कहा, इससे पूछो मुझे कुछ नहीं पता। पायल ने उसे घूरा। सारिका मुस्कुरा दी। कबीर हाथ बांधे बैठा था और पायल की तरफ देख रहा था। पायल शांत होकर बैठी थी, सारिका उसे आंखों से दिलासे दे रही थी। रैना शौर्य राजवीर भी वहीं बैठे थे और दादा दादी भी दूसरी तरफ से सबको देख रहे थे। पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ अगर पायल को पीटने का मन कर रहा है तो पीट सकते हैं। पायल ने उसे घूरा। कबीर हमारी बेटी विक्रम से बहुत प्यार करती है। कबीर ने सबकी तरफ देखा फिर कहा, ठीक है उस लड़के को और उसके पेरेंट्स को घर बुलाओ फिर। सभी मुस्कुरा दिए।
उठाकर सिर हिला दिया और पायल को गले लगा दिया। थैंक यू सो मच पापा। शाम को विक्रम अपने पापा के साथ कोयल परिवार के साथ बैठा था और वो नहीं जानता था कि यहाँ उसकी और पायल की शादी की बात होने वाली है। विक्रम को बार बार किसी को मैसेजेस देखकर शौर्य ने कहा, बस कर यार, अभी भी अपने दोस्तों के साथ लगा हुआ है। वैसे अभी किस दोस्त को मैसेज भेज रहा है? विक्रम ने मुस्कुराकर डाल दिया, अरे किसी को भी नहीं। राजवीर बोला, ठीक है, लेकिन अब अपने दोस्तों को बोलो कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए फ्री कर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं राज भाई? राजवीर मुस्कुरा दिया। शौर्य, ओहो इसकी मासूमियत देखो, हमारी बहन को हमसे छीन कर अनजान बन रहा है। विक्रम बोला, सॉरी मैं सच में नहीं समझा। राजवीर बोला, इट्स ओके। विक्रम के पापा मिस्टर अजय खुराना ने कहा, कबीर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? और भी काफी सीरियस लग रहे थे। हाँ सीरियस बात तो है अजय, देखो आप जानते हैं कि हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। हाँ और अजय दोस्त भी जी, मगर अब मैं नहीं चाहता कि हम दोस्त रहें। क्यों भाई ऐसा क्या हो गया, किसी बात पर नाराज हो गया? अरे नहीं नहीं नाराज नहीं, दरअसल मैं हमारी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। विक्रम भी गौर से सुनने लगा, रिश्तेदारी में बदलना चाहते हो? मतलब? अजय जी मैं अपनी बेटी पायल की शादी विक्रम के साथ करना चाहता हूँ। विक्रम ये सुनकर चौंक गया था, मगर अजय ने खुश होते हुए पहले पायल की तरफ देखा फिर कहा, रियली? जी भाई साहब, क्या आपको रिश्ता मंजूर है? सारिका ने कहा। अजय ने खुशी से भरकर कहा, हाँ जी मैं तो बहुत ही खुश हूँ। सारिका बोली, जब पायल ने बताया कि ये और विक्रम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो मैं भी बहुत खुश हुई थी। अजय ने विक्रम की तरफ देखा और फिर कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? विक्रम तुम्हारी मॉम स्नेहा के जाने के बाद मैंने तुम्हें अकेले पाया और तुमने भी मुझसे सारी बातें शेयर की, ये क्यों नहीं बताया? पुत्र तुम पायल से प्यार करते हो? कुछ नहीं बोल पाया तो कबीर ने कहा, अगर सबको ये रिश्ता मंजूर है तो हम इसी वक्त सगाई की रस्म कर देते हैं। सारिका बोली, अरे मगर इस वक्त सगाई कैसे? हाँ हाँ बिल्कुल सारिका जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। पायल शर्माने लगी और रैना उसे चेड़ रही थी। शौर्य ने दो रिंग्स का इंतजाम करवा दिया। राजवीर ने उसे कहा, बड़ी जल्दी एंगेजमेंट रिंग ले आया, सच बता तुझे इस बारे में पहले से पता था क्या? नहीं भाई मुझे इस बारे में पता नहीं था, सिर्फ रैना जानती थी। थोड़ी देर में पायल और विक्रम एक दूसरे के सामने खड़े थे। पायल खुश दिख रही थी मगर विक्रम कंफ्यूज था। फिर पायल ने उसे रिंग पहनाने के लिए हाथ आगे किया तो विक्रम पीछे हो गया। सब हैरानी से उसे देखने लगे। सारिका बोली, क्या हुआ विक्रम, ये सब क्या हो रहा है? शौर्य ने हंसकर कहा, क्या हो रहा है मतलब, तेरी सगाई हो रही है? सभी हंसने लगे मगर विक्रम को सीरियस देखकर सारिका ने कहा, विक्रम बेटा तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, बात है? विक्रम ने पायल को देखा और हल्के गुस्से में कहा, पायल ये सब क्या है? पायल कुछ समझ नहीं पाई। जीजू आपकी सगाई हो रही है और कुछ महीनों बाद शादी होगी, रैना बोली। विक्रम ने तेज आवाज में कहा, ओ रियली मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? प्लीज बंद कीजिए आप सभी से, बहुत हो गया प्रैंक। प्रैंक? सारिका ने कहा। उसने कबीर की तरफ देखा, कबीर भी विक्रम के इस बिहेवियर से हैरान था। क्या हुआ विक्रम, तुम सगाई नहीं करना चाहते? अजय बोला, यस नहीं करना चाहता मैं ये सगाई, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? विक्रम की बात सुनकर मानो सबको सदमा लग गया था, किसी ने कुछ नहीं कहा। अजय ने विक्रम को डांटते हुए कहा, स्टॉप इट विक्रम, ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्यार करते हो तुम पायल से तो सगाई तो करनी है ना? किसने कहा कि मैं पायल से प्यार करता हूँ? क्यों लगा आपको ऐसा? कबीर गुस्सा आ गया था। उसने कहा, बस बहुत हो गया विक्रम, तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं करते? विक्रम ने सिर झुका लिया था। कबीर ने तेज आवाज में कहा, बोलो। विक्रम ने धीरे से नामे से हिला दिया, तो इतने दिनों से इसके साथ टाइम पास कर रहे थे? अंकल मैंने पायल से कोई कमिटमेंट नहीं किया था, दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं, प्यार जैसा तो कुछ है ही नहीं हमारे बीच। पायल तुम बताओ, क्या मैंने तुमसे कभी ऐसा कुछ कहा? पायल बुद बनकर खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पायल प्लीज रोना बंद करो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि? विक्रम ने अपने सिर पर हाथ रख दिया और कहा, ओ गॉड पायल तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पर ये तो तुमसे प्यार करती है ना, रैना ने कहा। विक्रम ने रैना की तरफ देखा। अजय बोला, विक्रम पुत्र तुम क्यों नहीं करना चाहते पायल से सगाई, और क्या बुराई है इसमें? क्योंकि क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ डैड। पायल को दूसरा सदमा पहुंचा था, वो बेबसी खड़ी थी। शौर्य ने उसे संभाला, रैना गुस्से से विक्रम को घूर रही थी, सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका था। सारिका ने स्थिति संभालते हुए कहा, अजय जी आप विक्रम को यहाँ से लेकर जाइए प्लीज। अजय खामोश खड़ा था, फिर उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चला गया। राजवीर चुपचाप सिर झुकाए गहरी सोच में था। आज जो कुछ भी हुआ इससे राजवीर को काफी दुख हुआ था, उसकी कुछ पुरानी बातें ताजा हो गई थी। राजवीर अपने कमरे में चला गया। सारिका ने उसे जाते देखा मगर कुछ बोल नहीं पाई, वो पायल के पास आई और उसे गले लगा लिया। पायल लगातार रोए जा